मेरी जिंदगी से कुछ खास लोग चले गए जिन्हें मैं कभी वापस नहीं ला सकता। हमारी लाइफ में यह जरूरी नहीं कि हमारे सारे फैसले सही हो। बात है कुछ दिनों पहले की। मुझे और रैया आए हुए सिर्फ एक ही महीना हुआ था। बस एक रात ने मुझसे मेरे ही लोगों को छीन लिया, क्योंकि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। बिजनेस में 3 करोड़ का लॉस हो गया है। न्यू सिटी में बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। पूरा 1 महीना हो चुका है मुझे, पर एक भी रोड का टेंडर नहीं मिला है। सर, क्या हुआ सर? कुछ टेंशन में लग रहे हैं आप? तबीयत ठीक है ना आपकी? कुछ नहीं छोटे, थोड़ा काम का टेंशन। तुझे तो पता ही है कि मुझे 1 महीने से नया टेंडर भी नहीं मिला है। चल मेरी छोड़, तू तो ठीक है ना? अरे सर मेरी छोड़िए, आप ये बताइए आप किस टेंशन में? मैं जानता हूँ आपको कुछ बड़ी टेंशन होगी, छोटी मोटी बातों से कहाँ इतने परेशान होते हैं आप। क्या बताऊँ यार, जब से मुझे बिजनेस में 3 करोड़ का लॉस हुआ है ना,
और पहले कभी लखनऊ में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। सर एज में बहुत छोटा हूं मैं आपसे, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा सर, आप हार मानने वालों में से नहीं है। आप कोशिश करेंगे तो फिर से टॉप पे पहुंचेंगे, देख लीजिएगा सर। छोटे एक कहावत है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है। और तेरी आज इस बात ने मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। अरे क्या सर मेरी ले रहे हैं आप, कुछ भी। हाँ हाँ, लेने के लिए तुझसे हैंडसम और हैवी कौन। अरे सर चल, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, फ्री होकर कल मिलते हैं। ओके ओके सर। चल आइए सचिन जी, आइए। और सुनाइए राम जी, हाउ आर यू। मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए क्या लेंगे। बस कुछ नहीं, और बताइए क्या गुड न्यूज़ देना चाहते हैं आप हमें। मैंने डिसीजन लिया है, ये 10 करोड़ का रोड कंस्ट्रक्शन टेंडर मैं आपके अंडर में दे रहा हूँ। वैसे भी आप अपने काम में माहिर हैं। देखिए राम जी, वैसे जो आप मुझे कंस्ट्रक्शन का जो काम देना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि 100% पूरा एफर्ट्स उसमें निकाल के दूंगा। मुझे भी आपसे उम्मीद यही है, मैं चाहता हूं काम जल्दी शुरू किया जाए। श्योर। साइनिंग अमाउंट तो हमें दे ही दिया है, और जल्दी ही हम काम शुरू करेंगे और जल्दी ही साइट पर मिलेंगे। श्योर श्योर, चलिए। हैव अ ग्रेट डे। यू टू राम जी, थैंक यू, बाय। ओके हेलो। हाँ सीमा, कैसी हो? हाँ जी बोलिए। आज मुझे ना 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। क्या रामजी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है? हाँ मेरी इंटेलिजेंट वाइफ। अब खुद की तारीफ करना बंद करो, हमें काम करते हैं। सबसे पहले चंबल माता के दर्शन के लिए चलते हैं, उसके बाद शाम में एक छोटी सी पार्टी रखेंगे, ठीक है? पार्टी डन। चलो एक काम करता हूँ, पहले घर पर आता हूँ, फिर पूरी प्लानिंग करते हैं। ओके चलो बाय। ओके ठीक है, टेक केयर, सी यू। चलो, इसी बहाने माता के दर्शन हो गए। माता सब पर कृपा बनाए रखें। हाँ भैया, वरना हम सब तो घर में ज्यादा रहते हैं। इनको वक्त ही कहाँ मिलता है हम सबके साथ टाइम बिताने का। भाभी ये सब बड़े भैया का आशीर्वाद है और सचिन भैया की मेहनत।
अच्छा भैया, अब चलते हैं। चलो चलो। हाय सर, कैसा लगा आपको हमारा होटल? कुछ चाहिए होगा तो सर आपको बिल्कुल याद करेंगे। आपका होटल बहुत अच्छा लगा। जी सर। और हमें कुछ चाहिए होगा तो हम बताते हैं। थैंक यू सर। जी बाय सर। थैंक यू सर। सीमा, बिस्किट देना जरा। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, मुझे ना शॉपिंग करनी है। कब लेके चल रहे हो आप मुझे? अरे भाई सचिन, मैं भी चलूंगा मार्केट। तुम्हें तो जब देखो शॉपिंग ही करनी होती है, तुम तो चुप ही रहो। और हाँ भैया, आपको मैं परसों मार्केट लेकर चलूंगा। ओके भैया। ओके। मैं क्यों नहीं, वैसे तो पार्टी आपको देनी है। कैसी पार्टी? आपके बिजनेस की न्यूज की खबर सबको पता है, इसलिए सब आपकी टांग खींच रहे हैं। हाँ भैया, भाभी ने सबको बता दिया है। और वैसे भैया, मुझे भी एक मोबाइल चाहिए नया। भैया आज ये जो सब कुछ है ना, वो सब आपके आशीर्वाद की वजह से ही है। अरे भाई सचिन, ये सब तुम लोगों की मेहनत का नतीजा है जो आज तुम लोग यहाँ खड़े हो। भगवान शिव तुम सब पर कृपा बनाए रखे। काश राम जी भी पार्टी में होते आज। क्या बोला था? हाय सचिन जी। हाय अविनाश जी, कैसे हैं आप? आई एम फाइन थैंक यू। आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। ये हमारे बड़े भाई रघुवीर जी। नमस्कार। नमस्कार। ये हमारे भूषण गोस्वामी, छोटे भाई भूषण जी। हाय। हेलो। ये मेरी भाई सीमा। नमस्ते। नमस्ते भाभी। और सुनाइए अविनाश। बस बढ़िया हूँ। आइए कुछ चाय वगैरह। नो थैंक्स, मैं भी आया। ओके, मिलते हैं सर जी। नमस्ते भाई। भाई साहब कैसे हैं आप? बैठिए बैठिए। हाँ भैया, तो हम कहाँ पर थे? भैया ये कौन है? ये मेरे प्रिय मित्र अविनाश जी हैं, मेरे बिजनेस के कॉम्पिटिटर। ओके। थैंक यू फॉर दिस पार्टी बेबी। वेलकम माय स्वीट हार्ट। वैसे कोई शिकायत तो नहीं है मुझसे? नहीं, वैसे सारी मेहनत मेरी है। हाँ भाभी, आपका क्रेडिट कोई नहीं ले रहा है। यू आर द बेस्ट भाभी। भैया सोम भैया, अरे आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं। चलो मैं चलता हूँ, और बाकी गेस्टों का तुम ध्यान रखना। जी भैया। ओके ठीक है। हेलो सचिन, कैसे हो? हेलो सोम भाई। बहुत थक गया हूँ भूषण, मॉर्निंग से काफी दर्द हो रहा है पैरों में। भाभी ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मजा आ गया भाई पार्टी का। थैंक यू। रियली सचिन जी, अमेजिंग पार्टी, दिल खुश हो गया। थैंक्स सोम भाई, थैंक्स अविनाश जी। वैसे अविनाश जी, आप दिल से दुआएं नहीं दे रहे हैं। सचिन जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ अपनी लाइफ में पहली बार कोई इतना टक्कर का बिजनेसमैन मिला है तो थोड़ा सा दर्द तो होगा ही, क्यों सोम भाई? हैं? अरे अविनाश जी भी देंगे दिल से दुआएं भाई। पहले ये बता, ड्रिंक्स का अरेंजमेंट किया है कि नहीं किया है भाई? अरे भाई, अपने ड्रिंक्स के लिए मैंने स्पेशल रूम बुक किया है। चलिए आइए। चलिए चलिए। आइए अविनाश जी, आइए बैठिए सोम जी। थैंक यू सचिन जी। वैसे सचिन जी अच्छा खासा इंतजाम कर रखा है। भाई सचिन भाई की बात ही अलग है। सॉरी सोम जी, आज पैक आप ही बनाएंगे। क्या बात है, आज तो सोम भाई के हाथों से ही पिएंगे। बनाइए सोम जी। चलो मैं बना देता हूँ। वाह
अरे सर आपने नहीं लिया, आप तो लीजिए। अरे रुकिए जरा, अपने लिए भी बना रहा हूँ। सचिन जी कुछ नमकीन वगैरह? श्योर। छोटे क्या सर? अरे भाई कुछ खाने के लिए लेके आओ ना इसके साथ। अरे सर बिल्कुल, दो मिनट में लेके आया। लीजिए सचिन जी। वाह वाह वाह, लीजिए। एक बात तो माननी पड़ेगी सचिन जी, आपने बहुत ही कम समय में बिजनेस में हमारे जैसा मुकाम हासिल कर लिया है। अविनाश जी, सचिन को यहाँ लाने वाला सिर्फ मैं हूँ। सही कहा सोम ने, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब इसके ही वजह से हूँ। यहाँ के बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सब सोम ने ही मुझे बताया था, और जब से मैं और मेरी फैमिली यहीं शिफ्ट हो गए हैं। गुड। एक्सक्यूज मी, हेलो। हेलो। हाँ मुस्कान बोलो। सर आप कहाँ हैं? सर एक्चुअली मैं ऑफिस से थोड़ा लेट हो गई हूँ और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। सर क्या आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? मुस्कान वेट वन मिनट। ओके। सचिन जी हमारी सेक्रेटरी को ड्रॉप करना है, कैन आई इनवाइट हर? एक्चुअली रात बहुत हो गई और उसे टैक्सी भी नहीं मिल रही है। अविनाश जी नो इशू यार, उनको भी बुला लो, पार्टी का आनंद लेने दो ना उनको भी। ओ थैंक यू सो मच सचिन जी। हाँ मुस्कान जी सुनो, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। ओके सर थैंक यू। क्या बात है अविनाश जी, सेक्रेटरी भी है। सोम जी एड्रेस सेंड कर लूँ मैं? हाँ डर्टी माइंड सोम जी, आप भी ना, वैसे वो हमारी सेक्रेटरी है और कुछ भी नहीं, अभी 5 मिनट में आने वाली है। हेलो एवरीबॉडी। हेलो। हेलो। लो आ गई। थैंक यू सर। वैसे हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, एक्चुअली हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क करते हैं तो ये सब तो चलता ही है। तो फिर क्या एक छोटा सा बनाऊं? नो सर थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं एक फोन करके आता हूं। ओके 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 ओके। अब तो आपके बॉस भी चले गए, एक छोटा सा चलेगा? जी सर बना दीजिए। ये बात सर बॉस के सामने बोलती तो थोड़ा अजीब लगता, पर एक पैक तो ले ही सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आप तो काफी फास्ट पैक लेती हैं, और लेंगे क्या? नो सर। यू आर सो स्वीट सर। वाह क्या बात है भाई सचिन। सॉरी सचिन जी, सोम जी अब हम चलते हैं। मुस्कान चले हम लोग? जी सर। अरे अविनाश जी। मुस्कान डिनर तो करके जाइए ना। नहीं सचिन जी रात बहुत हो गई है, हम लोग डिनर घर पे ही करते हैं। ओके नाइस टू मीट यू। माय प्लेजर। चलते हैं सोम भाई। बाय बाय। चलो आओ मुस्कान। बाय बाय। Thank you.
यार सचिन, तूने जिंदगी में पैसा तो बहुत कमाया पर मजा नहीं पाया, क्या होगा तेरा? भाई साफ साफ बोल, अगर बोलना क्या चाहता है तू? अरे नहीं, तूने कभी बाहर का मजा लिया है? उस अविनाश को देख, 23 साल की कंचा लेके घूमता है और पैसा भी कमाता है। तो मैं क्या करूं, दूसरी शादी कर लूं क्या? अरे शादी नहीं यार, सेक्रेटरी रख ले, काम का काम और एंजॉयमेंट का एंजॉयमेंट। कह तो यार तू सही रहा है, बंदी ने 2 मिनट के लिए गरम कर दिया था, सोचता ही रह गया मैं। अब आया मेरा भाई सही ट्रिक पे, ओए सवाश। भैया हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं, आप भी समय से आ जाइएगा, और हाँ छोटे अभी थोड़ी देर यहीं रुकेगा, फिर ऑफिस चला जाएगा, ठीक है? ठीक है, सबको ध्यान से लेके जाना, ठीक है? ठीक है भैया, नमस्ते भैया। यार सचिन, चल चलता हूँ यार, चलो मिलता हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी मिलता हूँ। छोटे कह तो सुन, ठीक रहा है, आज मुझे कुछ करना ही होगा। छोटे। जी सर। जी सर। अरे नहीं सर, नहीं। अरे थैंक यू सर। तो बाहर का मजा लेना ही पड़ेगा, साले दारू असर नहीं कर रही। लेकिन मुझे यहां के बारे में कुछ पता भी तो नहीं है।
एक काम करता हूँ, छोटे को बुलाकर देखता हूँ। हाँ छोटे। जी सर। हाँ बेटा कहाँ है तू? सर बस अभी निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। हाँ मैं नदी किनारे वाले एरिया में तेरा वेट कर रहा हूँ बेटा। ओके सर मैं आता हूँ अभी। ठीक है सर मैं निकलता हूँ। ओके ओके जल्दी आ। क्यों बुलाया सर? हाँ मेरे भाई चल चल गाड़ी में बैठ बैठ बैठना। कहाँ सर? सर कहाँ लेके चल रहे हो सर? ये ले पैक। शर्मा मत बेटा पी ले पी। सर आपने यहाँ मुझे बुलाया क्यों है? बस सर ऐसे ही। सर ऐसी जगह पे कर क्या रहे हो सर? कुछ नहीं सोचा तुझे फोन करके बुला लूं इसीलिए तुझे फोन किया। सर चाहते क्या आप मुझसे? सर कुछ मिलाया था क्या आपने इसमें? बेटा बहुत बिगड़ गया है तू है? अरे सही है सर पिला दो हाँ बेटा। तुझे पता है मैंने तुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों सर? एक बात बता। बोलिए। यहाँ पर वो चिकन बिरयानी कहाँ पर मिलेगी? सर बिरयानी? सर अभी मार्केट चलते एकदम मस्त बिरयानी खिलाऊंगा आपको। अबे मैं उस चिकन बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूँ तो? मैं लड़की की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ रात को ही मिलती है। लड़की? हाँ सर आप कब से शौकीन हो गए? अरे आज से और अभी से। सर सर वैसे तो ऐसी कोई जगह आसपास है नहीं पर अगर होती भी तो पहले मैं ना जाता सर। बहुत बिगड़ रहा है तू है? बहुत बिगड़ गया है तू। सर वैसे हमें उस जगह पे जाना नहीं चाहिए सर। क्यों?
क्या हुआ? तू एकदम चुप क्यों हो गया? डर लग रहा है क्या? पता नहीं सर, वो जगह ठीक नहीं है सर। सर पर लोगों को उस जगह का ज्यादा पता भी नहीं है, पर जितना मैंने सुना है मुझे अंदाजा है तो जगह वो शहर के आसपास ही कहीं। पर सर घर चलते हैं सर, सर उस जगह नहीं जाते सर, छोड़िए। क्यों, कोई भूत है क्या? तुझे डर लग रहा है क्या वहां जाने में? पता नहीं सर। अरे सर छोड़िए सर, चलते हैं उस जगह पे, मुझे अंदाजा है कहाँ है वो जगह। चलिए सर। ये वही ना बात। चलिए सर, आइए सर, आइए। तू और यहां क्या कर रहा है? साहब हम यहीं रहते हैं, पर आप आधी रात को यहां क्या कर रहे हैं? अबे तुझे उससे क्या, तू यहीं रहता है क्या? ये क्या पागल हो गया है क्या? छोटे नीचे क्या देख रहा है तू? अरे सर कुछ नहीं सर, आप इसे एड्रेस पूछो, जानता होगा ये एड्रेस। अच्छा एक बात बता, हम लोगों को यहाँ एक रात रुकना है, कोई जगह है इधर? हाँ है ना, पर तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। अरे भाई छोड़ देंगे, चल गाड़ी में बैठ, जल्दी बैठ। गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी भेजेंगे क्या? जी चलिए सर, थैंक यू सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ओके सर, ओके सर। बहुत ठंड है सर, सर जल्दी मंगा लो गाड़ी, बहुत ठंड है सर, और वो आदमी भी बीच में छोड़ गया हमें सर। और सुनाओ छोटे भाई। जी सर, सर गाड़ी खराब ना होती ना तो मजा आ जाता। जी सर आ गई गाड़ी, गाड़ी आ गई। ये लीजिए गाड़ी सर।
आप यहाँ कैसे? रातों की तन्हाइयों में लोग गुजरते हैं यहाँ से, किसे है पता कौन है यहाँ पे? एक आप हैं और एक हम है यहाँ पे। मैडम आप इस बंगले में रहती हैं क्या? सर मुझे लगता है सब सो गए हैं यहाँ। पागल, ये वो जगह है जहाँ दिन में रात होती है, रात को सुबह होती है। क्या बात है। कहा जनाब आपने? दरअसल मैडम हमारी गाड़ी खराब हो गई और हमें यहाँ का पता बताया और हम चले आए, मगर पता नहीं पता बताने वाला कहाँ गायब हो गया। यहाँ पर तो लोगों की गाड़ियाँ अक्सर खराब हो जाती हैं, सही गाड़ी वाले लोग आते ही कहाँ हैं? आप मजाक काफी अच्छा कर लेती हैं। और आप झूठ काफी अच्छा बोल लेते हैं। वैसे ये कौन है आपके साथ? इसे आप मेरा छोटा भाई समझे। पर दिखने में तो बच्चा लगता है। ईगो हर्ट ना कर, लाइसेंस है मेरे पास। दिखाऊं? ये देखो। ओ माय स्वीट हनी, आप तो बुरा मान गए। आप दोनों अंदर तो आइए। आइए। वैसे मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम अमित वर्मा है। और तुम्हारा? जी मेरा नाम इसका नाम मनोहर है। अमित जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ के कुछ चार्जेस हैं जो आपको एडवांस में पे करने होंगे। अरे मैडम कितना लेंगी आप? मेरा मतलब सर को कितना पेमेंट करना पड़ेगा इस जगह का आज? सिर्फ 10,000। मैडम कुछ रुपए कम नहीं हो सकते हैं क्या? कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं है ये? अमित जी, इतनी बड़ी जगह में हम आप दोनों से सिर्फ 10,000 ले रहे हैं और आप तो दो हैं, तो सर्विस भी तो दो बनती है ना। आप देख लीजिए, नहीं तो आप जा सकते हो। मैडम आप तो बुरा मान गई। ये लीजिए मैडम पूरा 10,000 रुपए, फुल एंड फाइनल पेमेंट। मुझे ऐसे क्लाइंट काफी पसंद है जो मेरी बात मान लेते हैं। अरे मैडम आपकी बात टाल भी कौन सकता है। आप कुछ लेंगे? कुछ हार्ड ड्रिंक्स मिलेगा मैडम? हम्म,
तुम प्लीज थोड़ा पानी ला दोगे? जी। कुछ भी गई है मैडम, आसमान से उतरी परियां तो सिर्फ आपके ही पास हैं। आप मुझे मैडम मत कहिए, सिर्फ आलिया। अब तो हम दोस्त हैं ना? ये आलिया ठीक रहेगा ना सर? मनोहर शांत हो जा, और वैसे तेरे लिए कुछ सोच रखा है मैंने, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वैसे ये कौन है? ये टीना है, मेरे साथ ही काम करती है, पर इसे कभी मैंने बहन से कम नहीं समझा। क्यों टीना? हाँ आलिया, वैसे हमारे गेस्ट काफी थक गए होंगे, क्यों ना ड्रिंक सर्व करते हुए बात की जाए? बिल्कुल, सर्व करते हैं। वैसे हमारा नाम टीना है, पर आलिया ने हमें कभी वर्कर की तरह नहीं रखा, हमेशा एक बहन की तरह ही रखा है। अरे प्लीज आप सर मत कहिए ना, मेरा नाम मनोहर है। मनोहर, वो तुझे सर नहीं बोल रही है, वो मुझे सर बोल रही है। ओके सर। टीना, इसकी बात पर ज्यादा गौर मत देना, वैसे इसको चढ़ गई है, और वैसे भी आपने इसका पैग लार्ज बना दिया है। सर इतनी लंबी रात है, स्मॉल में क्या बनेगा, लार्ज से काम चलेगा। यू डर्टी गर्ल, डबल मीनिंग में बात कर रही हो। आप वैसे मुझे अमित कहिए और इसको मनोहर कहिए। नाम में क्या रखा है अमित, हम तो काम में विश्वास रखते हैं। मैं भी। अमित जी, मनोहर तो काफी मेहनती लगते हैं, आप कुछ मेहनत करते हो या सिर्फ बातों के शेर हो? आलिया जी, शेर कभी कहकर शिकार नहीं करते। क्या बात है अमित जी, तो फिर आज हम भी शेर को देखना चाहेंगे। मैं भी आलिया, आखिर शेर बचे कितने हैं। सर मुझे टॉयलेट जाना है। तुम क्या बच्चे हो, जामिस से पूछ के टॉयलेट जाते हो? अब तुम ही मुझे छेड़ रही हो। सॉरी मनोहर, यू आर सो स्वीट, प्लीज बुरा मत मानो। चुप हो जा, शांत हो जा। टीना, जाओ इसे टॉयलेट दिखा दो, और कुछ भी हेल्प की जरूरत होगी तो कर देना। ओके। सोम सर, छोटे बोल रहा हूँ। हाँ छोटे, क्या हुआ, इतनी रात को फोन कैसे किया, कोई टेंशन है क्या? सोम सर, मैं और सचिन सर लेग पीस खाने आए हैं। क्या कहूँ, सचिन सर ने बुलाया है आपको। अबे साले, तू कब से लेग पीस खाने लगा?
लगता है सचिन पर भी पार्टी का सर होने लगा है। हाँ सर। हाँ मुझे वैसे पता था। हाँ सर एड्रेस भेजता हूँ मैं आपको, आ जाओ सर कोई टेंशन नहीं होगी। अरे आ जाऊँगा भाई, वैसे भी अकेले रहने का कुछ तो फायदा हुआ। चल चल आता हूँ। ओके ओके बाय। ओके सर ओके। सर, तू चिल्लाया क्यों? सर मैंने पहले ही कहा था सर इस जगह पे भूत रहते हैं सर। सर पर आपने मेरी एक नहीं सुनी सर, अब हम क्या करेंगे सर? सर सर जो टीना है ना टीना, सर भूत है भूत, चुड़ैल है ये। सर बाथरूम के शीशे में इसकी शक्ल देख के आ रहा हूँ अभी मैं। तू पागल हो गया है मनोहर? नहीं सर। आ मैं दिखाता हूँ तुझे। नहीं 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 सर नहीं। ये देख शीशे में, ये टीना ही है ना। मुझे लगता है कि तूने जागती आंखों से कोई सपना देखा है। नहीं सर। ठीक है नहीं, चला जा। नहीं नहीं सर। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सर अब अभी चलिए इस जगह से। सर मुझे अभी जाना है इस जगह से। तू चिंता मत कर। नहीं टेंशन सर। मत ले, एक पैग और ले लें फिर उसके बाद निकलते हैं हम लोग। ठीक है नहीं सर, मैं हाँ भैया। सचिन कहाँ है तू? बस भैया यहीं रास्ते में हूँ। पहले तू कभी इतना लेट नहीं हुआ? आप रेस्ट करिए भैया, मैं आ जाऊँगा। ठीक है जल्दी आना। सर अब तो बड़े साहब का भी कॉल आ गया सर। सर अब तो घर चलिए सर। सर मुझे घर जाना है सर। मुझे घर जाना है सर। मुझे घर जाना है सर। सर मैं नहीं 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 सर नहीं नहीं। पी ले बेटा। नहीं नहीं सर। सर मुझे घर जाना है सर। मुझे घर जाना है सर। मुझे घर जाना है सर। मनोहर मनोहर मेरा हाथ पकड़ो। मेरा हाथ पकड़ो मनोहर। चलो मेरे साथ। सोम
वहां क्या देख रहा है? अरे अंदर आना बाबा। क्या कभी कोई खूबसूरत लड़की देखी नहीं क्या? साले बहुत सही जगह आया है तू। मैंने सोचा कि तुझे भी बुला लूं। अमित मेरा भी तो इंट्रोडक्शन करवाइए ना सर से। ये अमित कौन है वैसे? अबे साले तू मेरे घर का नाम भी भूल गया। अरे नहीं 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 यार, क्या है कि इनको देख के कहीं खो गया था। हम चीज ही ऐसी हैं कि हमें देख के अच्छे अच्छे खो जाते हैं, जैसे आप भी खो गए। सचिन ने कभी आज तक ऐसा नहीं किया। आधी रात से ऊपर हो चुका है और अभी तक वो घर पे नहीं आया। भैया आप अभी तक जगे हुए हैं, सोए नहीं? ठीक तो हैं आप? हाँ मुझे नींद नहीं आ रही है। तू कैसे जाग गई? भैया आप रेस्ट कीजिए, मुझे पता है आपको उनकी टेंशन हो रही है, इसकी वजह से आप सो नहीं रहे हो। वो दोस्तों के साथ पार्टी करते होंगे, आ जाएंगे। मैंने उनका फोन ट्राई किया था पर लगा नहीं। नहीं नहीं, सचिन कभी लेट होता है तो मुझे बता देता है, और सचिन ने आज तक तो ऐसा नहीं किया। मैंने अभी उसको फोन किया था, बोल रहा था मैं आ जाऊंगा, पर पता नहीं क्यों मुझे आज अजीब सा लग रहा है। नई जगह, नए लोग, नया शहर, बहुत मुश्किल होता है नई जगह पे अपना समाज बनाना। ठीक कहा भैया आपने, अब आप चलिए रेस्ट करिए, वो सुबह आ जाएंगे। ठीक है, मैं आराम करता हूँ। जा तू भी आराम कर, बहुत रात हो चुकी है। ठीक है भैया। अमित छोटे कहाँ है? उसका फोन आया था, तुम दोनों साथ में देना। भाई वो था मेरे साथ पर मैंने उसको बाहर से ही भेज दिया। लगता है हमारी आज की रात खराब होने वाली है आलिया। हाँ टीना तुमने सही कहा, ये सिर्फ बातों के शेर लगते हैं। सीमा का फोन। हाँ सीमा। सचिन कहाँ हो तुम? हाँ सीमा बोलो ना। अभी कहीं बिजी हूँ। एक बार तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना तुमको, रात के 3 बजे और भैया को टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही है। और तुम? अच्छा। भैया को कुछ मत बताना, मैं मॉर्निंग तक आ जाऊंगा। ओके ठीक है, बाय। अरे यार भाई सूखा ही बैठा रहूंगा क्या? अरे बाबा रुकना, बनाता हूँ ना तेरा पैग। तो फिर पार्टी फिर से स्टार्ट की जाए? यार अमित तू गजब की चीज है, आज तक मैंने ऐसा लोकेशन नहीं देख पाया और तूने अपने आप ढूंढ लिया। लोग हमें ढूंढते नहीं,
हम उन्हें खुद यहाँ खींच लाते हैं। क्यों अमित, क्या हम खूबसूरत नहीं? ऐसे क्या घूर रहे हो? वाह क्या बात है मैडम, एक बार के लिए तो मैंने कुछ और समझा था। जब आप लोग डबल मीनिंगफुल बात कर सकते हो तो हम क्या थोड़ा बहुत खींच भी नहीं सकते? हाँ सो हरिओम भैया। हरिओम भैया, आप काफी देर तक जागते रहे, क्या बात है, बहुत परेशान हैं आप? कल से सचिन का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या सचिन भैया घर पे नहीं आए क्या? नहीं, इसी वजह से मुझे इतनी टेंशन है कि मुझे नींद नहीं आई। आप टेंशन मत लीजिए, मैं भैया के दोस्तों को फोन करता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है। भैया ये लीजिए आपकी चाय। भैया आप हमारे अपने ना होते हुए भी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। आज तक मैंने आपके अंदर किसी भी चीज़ का बदलाव नहीं देखा। कुछ भी कहिए, आपके दौर के लोग होते ही ऐसे हैं। अच्छा तू अब इतनी समझदार हो गई है कि इंसानों की परख भी करने लगी। भैया ये आपके प्यार और संस्कार से मैंने यही सीखा है कि आपसे बेस्ट भैया कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, अब बहुत रात हो चुकी है, अब तू जा। भैया एक रिक्वेस्ट थी, आप उनको कॉल करके बोलिए ना जल्दी आने को। मैंने उनको कॉल किया था पर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। आपकी बात वो टालेंगे नहीं। तू चिंता मत कर, मैं उसको कॉल करता हूँ। ठीक है भैया। भैया हरिओम। हरिओम हरिओम। हेलो। हाँ भूषण। सोम भैया सचिन भैया आपके साथ हैं क्या? मैं कब से आपको फोन लगा रहा हूँ। अरे भूषण तू टेंशन क्यों ले रहा है? हाँ सचिन मेरे साथ है और मैं सचिन को लेके कुछ घंटों में आ रहा हूँ ना। आप सचिन भैया से मेरी बात कराओ। सचिन, भूषण फोन पर है यार, बात कर लेना उससे, शायद वो टेंशन में है तुझे लेकर। ले। हाँ भूषण। आपको पता है कि हम लोग दो दिन से कितना परेशान है, भाभी भैया सब लोग परेशान है। अरे मैंने सीमा को फोन कर तो दिया था यार कि मैं कुछ घंटों में आ जाऊंगा। भैया आप मुझे एड्रेस मैसेज करो, ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे तू टेंशन मत ले यार, मैं आ जाऊंगा। अरे ला यार मुझे बात करा भूषण से, ला मुझे दे। हाँ भूषण
अरे तू चिंता क्यों करता है यार, मैं आ रहा हूं ना, मैं सचिन को लेकर खुद आऊंगा। ओके, अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो आप एड्रेस मुझे मैसेज कर देना। भूषण, अरे भूषण मेरे छोटे भाई, चिंता मत कर, शांत हो जा। देख अगर मैं लेट हो जाऊंगा मैं खुद तुझे फोन कर दूंगा, फिर तू आ जाना बस। अब एक काम कर, फोन रख, बिजनेस की मीटिंग चल रही है, प्लीज यार। बेटा रख, चल। ठीक है। चलो एंजॉय। So, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे नींद आ रही हो। हाँ यार अमित, मुझे आए हुए 2 घंटे मुश्किल से हुए होंगे, पर ऐसा लग रहा है कि कितने घंटों से बैठा हूं। बॉडी में काफी थकावट हो चुकी और नींद भी बहुत जोर से आ रही है। लो अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं और आपको थकावट हो रही है। हमारे गैस काफी उम्र दराज हैं आलिया। वैसे मुझे लगता है हमें कोई गेम खेलना चाहिए। आलिया, नाइट में हम सिर्फ एक ही इंडोर गेम खेलते हैं। आपको बड़ी जल्दी है इंडोर गेम खेलने की। सो चुप रहना यार। आलिया, तुम गेम खेलने की बात कर रही थी। हमें स्ट्रिपिंग गेम खेलना चाहिए। इस वाइन की बोतल का मुंह जिसकी तरफ भी होगा उसे हम सबकी डिमांड पूरी करनी होगी। जल्दी आ जा। क्या हुआ यार? फटाफट। और हाँ, अक्षय को लेते आना। टिकट पर हुआ क्या है? अरे यार तू आ यहाँ पे, मैं बताता हूँ तुझे। बस आ गया भाई। जल्दी आ। ठीक है। हाँ आ जा। अरे भूषण खड़ा है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। अरे भूषण क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ बे? बोली ना यार, भाई को घर से गए हुए 2 दिन हो गए हैं। पूरे घर में मातम सा माहौल छाया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं यार। यार भूषण, भाई के साथ सोम भी तो है ना यार। मुझे डाउट हो रहा है सोम पर। अरे सोम पे खाली डाउट कर रहा है यार। सोम को मैं पर्सनली जानता हूं, वो ऐसा नहीं करेंगे। यार मुझे दोनों पे डाउट ये हो रहा है कि दोनों कहीं मुसीबत में ना फंसे हों। दोनों को फंसाने में सिर्फ एक ही आदमी का हाथ हो सकता। कौन? किसका? अविनाश। अविनाश? अबे ये अविनाश कहां से आ गया? भैया का बिजनेस कॉम्पिटिटर। मैंने पार्टी में उसे नोटिस किया था। वो भाई की कामयाबी से खुश नहीं था। अच्छा ये सब छोड़, तूने छोटे से बात की? ओह शिट, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। फोन लगा जल्दी। मुझे तो लग रहा है छोटे और वो साथ मुझे में। भी यही लग रहा है, दोनों साथ में। क्या हुआ बे? शिट यार, छोटे का फोन बन जा रहा है। अरे ये सब छोड़, चलते हैं ऑफिस में, चल के देखते हैं। हाँ चल, गाड़ी स्टार्ट कर फटाफट। लेकिन बाइक उठा लो, बाइक अपनी बाइक लो यार, घर चलते हैं। हाँ
शायद ऑफिस बंद है। हाँ, रुक रुक रुक, ऑफिस ऑफिस देख के देख। ऑफिस तो बंद है। भूषण यहाँ तो ये लॉक लगा है यार। अरे यार भूषण, तू उसको छोटे को फोन लगा। अरे यार छोटे का फोन नहीं लग रहा है। अरे यार छोटे का भी फोन नहीं लग रहा है और ऑफिस में बंद पड़ा है, कहीं इसमें इसका हाथ तो नहीं है? मुझे लग रहा है यही है। हाँ मुझे भी ये लग रहा है, इसका ही हाथ हो सकता है। फोन लगाया। अरे भूषण, ये अविनाश जी है ना? अविनाश जी तो लग रहा है। गाड़ी से तुझे स्माइल करते हुए जा रहे हैं। हाँ ये तो अविनाश जी है। निकल निकल जल्दी निकल, चल जल्दी बैठ 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 जल्दी बैठ। चल 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 चल, घुमा 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 इधर। आप सचिन के भाई है ना? Am I right? ज़्यादा नौटंकी मत कर। पहले ये बता मेरा भाई कहाँ है? Mind your language. जो भी तुम्हारा नाम है, पर हाँ अगर तुम सचिन के भाई नहीं होते तो तुमने जो घटिया हरकत की है ना, इसके लिए तुम जिंदा नहीं होते। धमकी किसे दे रहे हो भाई साहब आप? अरे अच्छा यार रुक जा तू यार, क्या कर रहा है? अरे धमकी दे रहा है। I am sorry भाई, दरअसल सचिन भाई दो दिन से घर नहीं लौटे और हम लोग बहुत परेशान इस वजह से, और आपसे बदतमीजी से बात की। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके, सचिन हमारा बिजनेस कंपटीटर है और दोस्त हमारे भी कुछ वसूल है लाइफ में। एनीवे आई एम गेटिंग लेट, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोग की मदद करने की। प्लीज आप यहाँ आएंगे? चल यार चल, चल यार। कुछ तो गड़बड़ है। भैया हमने बहुत कोशिश की लेकिन सचिन भैया के बारे में कोई भी क्लू नहीं मिल पा रहा है, बताइए हम क्या करें? लगता है हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। पुलिस के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सचिन ऐसी जगह पे फंस चुका है जहां से उसे कोई आम आदमी नहीं निकाल सकता है। एक्सक्यूज मी सर, आप विदाउट परमिशन हमारे घर में कैसे घुसे? और आपको हमारे घरेलू मैटर में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। आप यहां से जा सकते हैं, दरवाजा उधर है। रुको भूषण, पहले ये बताइए कि आप है कौन और सचिन के बारे में कैसे जानते हैं? सर मेरा नाम अविनाश है और मैं सचिन का बिजनेस फ्रेंड हूं। दरअसल सचिन एक हॉन्टेड प्लेस में फंस चुका है। भैया ये आदमी पागल हो चुका है। भैया ये आदमी पागल है और हम सबको पागल बना रहा है। तुम सब चुप रहो। अविनाश मैं सुनना चाहूंगा। और यह सिटी के बाहर एक खंडर है जहां पर कोई भी नहीं जाता और जो जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। तो आपको कैसे पता कि सचिन वहीं पर है? आचार्य हूं मैं एस्ट्रोलॉजी में, मैं वो सब देख सकता हूं जो आप लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर फिर भी आप लोगों को यकीन नहीं है तो पता करो,
यमुना नदी किनारे एक खंडर है, वहां पर कोई भी नहीं जाता और वो रात में अपनी जगह बदल लेता है और सुबह होते ही उसी जगह पर वापस आ जाता है। भैया हम इस आदमी की बकवास क्यों सुन रहे हैं? अरे चुप रहो। हेलो हेलो। हाँ रुपेश बोल। एक बात बताइए, यमुना नदी के आसपास कोई खंडर है क्या? है ना, पर तू क्यों पूछ रहा है? ओ माय गॉड, हुआ क्या? चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। चल ठीक है, बाद में बात करते हैं। भैया अविनाश जी सच कह रहे हैं, खंडर तो है और वो जगह बहुत हॉन्टेड भी है। आप तो शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए तो शहर की जानकारी होना नॉर्मल बात है। सर मैं आपकी 10 साल पहले की एक घटना बताता हूँ, याद करिए उस घटना को, कि आपके एक लड़का हुआ था और उसका बहुत ही जश्न मनाया था आपने, और उसी जश्न के दौरान आपकी वाइफ के पेट में दर्द हुआ था और इत्तेफाक से उसी दौरान आपके बेटे की तबीयत खराब हुई थी, लेकिन सही दवाई ना होने के कारण दोनों की मृत्यु हो गई थी। क्यों सर, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भाई ये विनाश तो बिल्कुल सही बोल रहा है। इसका मतलब सचिन भैया जहां वही है जहां ये कह रहे हैं? शायद। अब मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। सचिन, सोम और छोटे उसी जगह पर फंसे हैं जहां से सिर्फ रात को निकला जा सकता है। भूषण आप रात को वहां जाओगे और अगर हो सके तो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जा सकते हो। सही है। सपना देखा क्या? आप लोग कितनी देर से सो रहे थे? क्या देखा सपने में अमित? ठीक कुछ नहीं। अब सबकी नींद खुल गई हो तो ड्रिंक्स फिर से बनाए जाएं? हाँ बेबी ड्रिंक्स बनाओ ना, मैंने कब मना किया। वक्त हो गया है, हम लोग गेम स्टार्ट करें? मैं भी काफी देर से गेम शुरू करना चाहता था। कमीने, इरादे तेरे ठीक नहीं लग रहे। सोम, इरादे तो आपके भी खराब लग रहे हैं। गेम स्टार्ट करें। हाँ अमित, स्टेप कहाँ से शुरू करना चाहोगे? हल्के हल्के माहौल का मजा ही कुछ और होता है, और इतनी जल्दी भी क्या है। क्या फिजिक है अमित, मजा आया हमें भी देखकर। भाई अब कुछ ना उतारना, पता नहीं इनको कहां कहां मजा आएगा। हाँ।
तेरे दिल में रहेंगे एक याद बनकर, तेरे लब पे खिलेंगे एक मुस्कुराहट बनकर, हमें अपने से कभी जुदा ना समझना, तेरे साथ चलेंगे हमेशा आसमान बनकर। भाई शेर भी शायर हो गए, गलती तुम्हारी नहीं है, आखिर शिकार जो सामने बैठा है। शिकार आप खुद होने वाले हो यार। ओह मैं सही कह रही हूँ ना आलिया? अरे क्या फर्क पड़ता है, छुरी गिरे खरबूजे पर या खरबूजा गिरे छुरी पर, कटना तो खरबूजे को ही है। अरे क्या फर्क पड़ता है। इश्क होता है क्या, हमें नहीं मालूम था इश्क होता है क्या, एक तुम मिली जिंदगी से मोहब्बत हो गई। जनाब शायर भी हैं। सोम भाई आप पर फिदा हैं। वैसे अमित आज आप आलिया को पागल कर दोगे, वैसे भी हम खून के प्यासे हो रखे हैं और आज रात खून बहे। क्या मतलब? मतलब यहाँ पे कोई तो वर्जिन होगा। सो हम भी चले खुली वादियों में, क्यों नहीं।
मुझे तुमसे कुछ कहना है पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूं। कहिए ना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे भी आपसे प्यार होने लगा है। पूजा के लिए बैठिए। मिस्टर सचिन है यहाँ? मैं उनके घर गया था तो मुझे पता चला वो मंदिर गए हैं। अविनाश तुम यहाँ? मुझे उम्मीद नहीं थी तुम यहाँ पर मिलोगे। अरे राम जी आप कैसे हैं आप और आप यहाँ पर? आप तो जानते ही हैं सचिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं दो दिनों से उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ पर उसका नंबर ही नहीं लग रहा। मैंने सोचा कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई इसलिए सीधा उससे मिलने यहाँ चला आया। राम जी पिछले दो दिनों से सचिन अपने घर पर नहीं है। वो ऐसी जगह फंस चुका है कि उसे वहां से सिर्फ ऊपर वाला ही बचा सकता है। What do you mean? दरअसल सर भैया एक हॉन्टेड प्लेस में फंस चुके हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है लेकिन भूषण इसके सिवा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है और इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि सचिन भैया को बचाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम वो सब करेंगे। आपको नहीं लगता हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए? राम जी पुलिस सबूत मांगती है सबूत और हमारे पास इस वक्त कोई भी सबूत नहीं है। स्पिरिचुअल साइंस ऐसा साइंस है जिसे समझने में लोगों को समय लगता है और कुछ लोग तो उसे समझते भी नहीं है। राम जी हमें इस वक्त बड़े सब्र के साथ काम लेना है फिर भी अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो भूषण आप सचिन को फोन लगाओ वो फोन उठाएगा क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और वो हमें ये भी बताएगा कि वो इस वक्त कहां पर है। तो ठीक है मैं आपके साथ हूं। हेलो भैया कहां है आप? हाँ भूषण मैं मीटिंग से फ्री हो गया हूँ और मैं नदी किनारे वाले रास्ते से आ रहा हूँ। ओके अविनाश जी आपने बिल्कुल सही कहा था मुझे माफ कर दीजिए मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की। I'm really very sorry। पर भैया वो है कहाँ कब आ रहे हैं? भाभी भैया ने कहा था वो नदी के पास पहुंचने वाले हैं बस एक घंटे में आने वाले हैं। अविनाश जी अब ये बताइए हमें करना क्या है? हम लोग यहाँ पर गायत्री मंत्र हवन करेंगे और जैसे ही हमारा हवन शुरू होगा और तुम नदी के आगे बढ़ोगे तुम्हें सचिन के पास जाने के लिए खुद ब खुद रास्ते तुम्हें मिलते चले जाएंगे। ठीक है। भैया पूजा का वक्त हो गया है चलिए। और जैसे ही हवन शुरू होगा हम यहाँ से निकल लेंगे और तब तक मैं अपनी गाड़ी तैयार कर लेता हूँ। ठीक है आ जाओ। मैं भी इनके साथ जाता हूँ। ठीक है। पंडित जी अग्नि लगाइए हवन शुरू करते हैं। छोटे यहाँ क्या देख रहा है? सर आप कब आए मुझे बिल्कुल पता नहीं चला।
सर अभी सो के उठा और यहाँ आके खड़ा हो गया बस। बहुत अच्छा किया सर आप मुझे उस जगह से ले आए सर, बहुत अजीब जगह थी सर। वापस बिल्कुल नहीं जाना सर उस जगह पे। छोटे नहीं सर, चुप हो जाना सर, मुझे वापस जाना सर, सर चुप हो जा। जब तू अंदर सो रहा था ना और हमें लगता है कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, ठीक है, और सोम भाई भी यहाँ आ चुके हैं। सोम भाई यहाँ आ गए क्या सर? सर और काफी टाइम से आ चुके हैं वो, और हमें उनको चल के ढूंढना चाहिए। चलिए सर, ऐसा ना हो कि कहीं हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं, ठीक है? हाँ सर, चलिए सर, हाँ हाँ चलिए चल चलिए चलो सर, चलते हैं। कर उतर देखते हैं। हाँ, चलो हाँ यार, हमें लग रहा है कि हम लोग सच में रास्ता भटक गए हैं। वैसे भी इस रास्ते पर तीन बार आ चुके हैं पहले। सही कह रहा है भूषण, एक काम कर। हाँ। तो अविनाश जी को फोन लगा। हाँ। लगा भाई, जल्दी लगा, वही कोई सोल्यूशन देंगे, है ना? हेलो। हाँ भाभी, हम लोग रास्ता भटक गए। भैया बस आपकी पांच मिनट में सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। ओके। क्या बोला? हम लोग पांच मिनट यहाँ इंतजार करें। यार सब रास्ता क्लियर हो जाएगा। इतनी देर से हम लोग भटक रहे हैं यार, रास्ता नहीं मिल रहा है। पांच मिनट इंतजार करो, रास्ता क्लियर हो जाएगा। पर कैसे होगा, कैसे? आओ चलो आओ। हाँ चलो चलो बैठो। हाँ चलो भाई चलो, जल्दी चलो।
जगह तो यही लग रही है। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। सोमाई कहाँ? सोम सर, सोमाई कहाँ हो सर? सर सर सोमाई सर सोम। अविनाश जी आप खामोश क्यों हो गए? सर सभी लोग सचिन के पास पहुंच गए हैं लेकिन हमारे हवन का सुरक्षा कवच धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो भाई आप कुछ और नहीं कर सकते? क्या वो लोग फंस जाएंगे? हम क्षमता से ज्यादा उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं बहन। अब हम श्री हनुमान जाप करेंगे ताकि वो सुरक्षित वापस आ सके। तो यही लग रही है। हे भूषण, ये कौन है? भूषण, ये सोम भाई है ना? हाँ। इशारा क्या कर रहे हैं? ये बाहर क्यों नहीं आ रहे? भूषण एक काम कर, दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर। ऐसा करते हैं यार, हम दोनों बाहर रुकते हैं और तुम दोनों अंदर जाओ। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम बाहर से तुम्हारी हेल्प करेंगे। सही कह रहे हैं आप राम जी। भूषण, मोहित, तुम लोग अंदर जाओ और अगर तुम्हें आने में जरा भी देरी हुई तो हम फिर से अविनाश जी की हेल्प लेंगे। जाओ। लेकिन यार मेरे घड़ी में 3 बजे हैं भाई और हमें निकले सिर्फ 1 घंटा हुआ है। एविल स्प्रिट हमेशा सबसे ज्यादा 3 से 4 के बीच में पावरफुल होती है। आप सही कह रहे हैं राम जी, इसीलिए मोहित की घड़ी का समय रुक गया है। और सही कह रहे हैं। दरवाजा भी लॉक है। अरे दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, चल 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 चल, चल। संभाल के जाना। भूषण 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 मोहित मोहित सुन क्यों नहीं रहे? भूषण मोहित 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 काफी देर हो गई, अब तक आए नहीं। कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। हाँ सर। कैसे भी करके सुबह हमें यहाँ से निकलना चाहिए, वक्त अब रुकना नहीं चाहिए। भैया आप सही कह रहे हैं, चलो चलिए जल्दी निकलते हैं। फटाफट चलिए। चलिए सर, चलिए। वक्त फिर से शुरू हो चुका है। मुझे हनुमान चालीसा याद है, और किसी को याद है? हाँ हमें याद है। भैया याद नहीं है सर। हमें हाथ पकड़ के चलना है, उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी हमें उसे नहीं तोड़ना है। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है सर। हे बजरंगबली, हे बजरंग, हमारी रक्षा कर। वरण रघुबल वीर
हनुमंते।